हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं जय आपका स्वागत करता हूँ एक्सप्लोर द अनटेम में। और आज का ब्लॉग लंदन टूर का पार्ट टू ये कंटिन्यू हो रहा है। जिन्होंने अगला पार्ट नहीं देखा पार्ट वन, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पार्ट वन की लिंक क्लिक करके वो अगला पार्ट देख सकते हैं। और जो नए हैं वो प्लीज़ जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं आगे इस ब्लॉग में। चलो एक बार जूम करता हूँ O2 अरेना की तरफ। नहीं, ये वैम्बली वैम्बली है, ये वैम्बली का। चलो कीड़े मकोड़े की तरह इंसान नजर आएंगे यहाँ से। तो हाँ भाई, तो 58 पे ये व्यूइंग गैलरी के दोनों ही स्टोरेज हैं, 58 और 58M। ये आप देख सकते हो, दो स्टोरेज है। तो सामने शार्ड है। रिफ्लेक्शन इतना है कि नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये देखिए, लेकिन काफ़ी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है यहाँ से। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इसके ऊपर शेडो ना आए। शेडो आएगा फिर मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ शेडो कवर करने की, लेकिन फिर भी शेडो आएगा ही आएगा। सामने है हमारे शार्ड, बिल्कुल हम शार्ड की लेवल में खड़े हैं अभी। यार ये लगता है ऐसे है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाइट है यार, बहुत ही ज़्यादा हाइट है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर है। क्योंकि इसके ऊपर से हमें पता लग रहा है कि हम कितने ऊपर आ गए हैं। लंदन आए तो छोटी सी नज़र आ रही है वहाँ पर, ये साड़ी जब इतना नीचे नज़र, मतलब इतना सामने नज़र आ रहा है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि ये कितना ऊपर है हम लोग। ये स्काई गार्डन। आपको टावर ब्रिज नज़र आ रहा है नीचे, कितना नीचे है। लंदन सिटी जो है वो बिल्कुल किनारे बसा हुआ है थेम्स रिवर के, और या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि थेम्स रिवर लंदन सिटी के बिल्कुल मिडल से गुजर रही है। देखिए ये टावर ब्रिज कैसा नज़र आ रहा है इतनी हाइट पे से। ये मैंने आपको जूम किया हुआ है, और ये है टावर ऑफ लंदन। और ये जो बिल्डिंग मैंने आपको नीचे से दिखाया था है ना, लेकिन इसका व्यू ऐसे ही आएगा अभी, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको सारे ही नज़ारे अच्छे अच्छे लगे होंगे इतने ऊंचाई से। ये स्काई गार्डन है। तो आप लोगों ने देख लिया ना यहाँ पर इतने ऊपर से लंदन को, मैं आपको चारों तरफ से दिखा रहा हूँ, ये पूरा लंदन सिटी नज़र आ रहा है।
में लंदन सिटी को हम घर बैठे बैठे आपको आपके घर बैठे बैठे दिखा रहे हैं कैमरे की नज़रों से। तो भाई चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ये थेम्स रिवर यार, ये बहुत ही ज़्यादा, अगर कोई देखेगा तो वाव, पूरा लंदन सिटी नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो भाई अभी यहाँ से इस तरफ से देखिए कैसा नज़ारा है यहाँ से पूरे लंदन सिटी का। लंदन सिटी को आप पूरे ऊपर से देख सकते हो, ज़बरदस्त है यार, कसम से बहुत ज़्यादा हाइट है यहाँ पर। नज़र आ रही है नीचे इमारतें छोटी 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 छोटी। भाई 360 हो गया आपका भाई, होराइजन 22 से मेन एग्जिट है। भाई ये लिफ्ट थ्रू हम जो गए थे उसी लिफ्ट थ्रू हम वापस भी आ गए हैं नीचे, और ये बिल्कुल बेसमेंट तक पहुंच गए हैं। एक्चुअली हमारा कुछ सामान सिक्योरिटी वालों ने रखा हुआ है, वो जाने के टाइम पर हमें कलेक्ट करना था, वो यहाँ से ले लेंगे। राइट हम वहाँ पर थे, उधर से हम लोग आए हैं नीचे, और ये जो फेमस सेंट हेलेंस प्लेस है ये आप देख सकते हैं हमारे सामने। मैं ले जाता हूँ आपको मिलेनियम ब्रिज के ऊपर, जो काफ़ी फेमस है पैलेस्टीन के लिए, सिर्फ चल चल के क्रॉस करने के लिए आपको मैं दिखाता हूँ। वो सामने नज़र आ रहा है आप, ये आपको मिलेनियम मैं ले जा रहा हूँ ब्रिज के ऊपर, सारा मैं वॉकिंग करके कवर कर रहा हूँ। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ से हम नीचे भी जा सकते हैं, ये थेम्स रिवर में उतर सकते हैं, लेकिन उतरना कतई नहीं है, पानी ज़्यादा है इसमें। चलो ऊपर ले चलता हूँ आपको।
ये मिलेनियम ब्रिज पे से है, वो है अपना स्काई गार्डन, ये है, और यहाँ पर से मैंने आपको व्यू दिखाया था, यहाँ पर से टॉप फ्लोर से 58 से मैंने जूम किया है इस बिल्डिंग से, हॉरिजन 22 से राइट वहाँ पर होके आए हम लोग टॉलेस्ट राइट। तो ये मिलेनियम ब्रिज से होकर हम गुजर रहे हैं, यहाँ पर आप क्रूज देख सकते हैं थेम्स रिवर में, ये देखिए ये टोटल कुछ मेटल से बना हुआ है। यहाँ पर ऊपर बोट है, ये थेम्स क्लिपर, ये तो रुक गई, से हम लोग होकर आ रहे हैं, अभी हम लोग जाएंगे नीचे यहाँ से।
Alright guys, I'm about to do the grand finale of my show. However, before that, I would like everybody to do me a favor. Can you please be kind and just come forward to the line? Because I just don't want to get any complaints from the city council. It has happened before, but I don't want any complaints because you're not supposed to block off this entire space and you know why. Thank you very much. Thank you guys. So guys, can you please do me a favor? ये थेम्स के किनारे हम लोग आ गए हैं। ये देखिए स्वान सारे दो हंसों का जोड़ा जिस तरह बोलते हैं वो। एक मजे की बात बताऊं कि यूके में जितने भी स्वान हैं, हंस के जोड़े हैं या इंडिविजुअल भी है, वो सारे क्वीन की प्रॉपर्टी है ये सारी। उधर से हम मिलेनियम ब्रिज से नेशनल थिएटर से होके उधर हम जा रहे हैं लंदन आई की तरफ। लंदन आई आपको इसके पीछे नज़र आएगी, ये रही। हम अभी उधर जा रहे हैं, लंदन आई को मैं दिखाता हूँ आपको, लंदन आई दिखाता हूँ मैं आपको। अभी दिन के 3:15 बज गए हैं। आपको सामने घड़ी नज़र आ रही है वो बिल्डिंग के ऊपर, 3:15 बजे हैं अभी। और देख लीजिए अंधेरा इस तरह हो रहा है कि जिस तरह लाइटें चलाई हुई है इन्होंने, लाइटिंग कैसी की हुई है पेड़ों के ऊपर। Well, you know, I know what you're thinking, you people. Well, thank you. राइट, अभी हम लोग लंदन आई के नीचे आ गए हैं और ये है हमारा बिग बैन बिल्कुल उसके सामने, नज़र आ रहा है दोस्त। अभी मैं आपको उधर ले जाता हूँ ब्रिज क्रॉस करके। ये है लंदन आई। राइट, बिल्कुल लंदन आई के नीचे हम लोग अभी। जो एक एक क्वेश्चन है जिसमें लोग बैठे हुए हैं उनको कैप्सूल बोलते हैं। लंदन आई की कितनी कैप्सूल है यहाँ पर मैं देखता हूँ।
व्हीली बोलते हैं इसको वैसे। तो ये लंदन आई बिल्कुल करीब से मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल नीचे इसके व्हील के। और ये है लंदन आई की टिकट काउंटर, जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाई है वो करवा यहाँ से ले सकते हैं इंस्टेंट। लंदन डंजन, सी लाइफ और स्ट्रेक्स एडवेंचर एक साथ में ही है, एक ही रॉ में। तो अगले पार्ट में मैं आपको ले जाऊँगा लंदन सिटी की क्रिसमस की लाइटिंग दिखाने के लिए नेशनल गैलरी और ट्राफलगर स्क्वायर की तरफ। तो प्लीज़ अगला पार्ट देखना ना भूलें, अगला पार्ट भी बहुत स्पेशल होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।